चिल्ड्रेन, तो पिछले वीडियो में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का कंसेप्ट दे रहे थे वैसे स्टूडेंट के लिए जिसको नीट का एग्जाम देना है। तो आज नीट के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करते हैं हम, मोशन इन वन डायमेंशन क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन का पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग बनाएंगे, जो नहीं बनेगा पूछेंगे और कुछ क्वेश्चन को हम बना करके दिखा रहे हैं। मोशन इन वन डायमेंशन ये नीट का क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है 2017 का एक क्वेश्चन था, एक एक्सेलरेटर है और एक गर्ल्स गई स्टेशन मेट्रो स्टेशन पर, तो ये देखिए कि एक्सेलरेटर वर्क नहीं कर रहा है, बंद है, तो ये खुद से चल करके एक्सेलरेटर पे V1 वेलोसिटी से हमने लिख कर लिया, इसका डिस्टेंस डी है, ये चली गई। फिर नेक्स्ट डी जाती है ये, तो देखती है कि एक्सेलरेटर वर्क कर रहा है, तो ये क्या कि इस एक्सेलरेटर पे खड़ी हो गई और एक्सेलरेटर V2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ का पॉइंट यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ होगा, ये भी डिस्टेंस डी ही होगा। तो कहता है क्वेश्चन, ये प्रीति जो गर्ल्स है कहता है कि ये एक्सेलरेटर भी चल रहा है V2 से और प्रीति भी जा रही है V1 वेलोसिटी से, तब ये कितना देर में पहुंच जाएगी इस एंड से उस एंड, तो हमने लेट कर लिया, इसको जाने में यहाँ से T1 टाइम लगा, इसको जाने में T2 टाइम लगा, इसको जाने में T टाइम पूछ रहा है, यही टाइम टेक। तो आप देखो ये टोटल वेलोसिटी जो होगा प्रीति और एक्सेलरेटर का V=V1+V2 और V जो होगा मेरा, ये दोनों मिल करके कितना डिस्टेंस कवर करेगा डी, और डी डिस्टेंस कितना टाइम में लेट किए हैं टी, फिर ये V1 वेलोसिटी से T1 टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है डी बाय T1 प्लस डी बाय T2, तो डी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, 1/T=1/T1+1/T2 इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा T1 T2, यहाँ पर हो जाएगा T1+T2, सो T=T1T2/T1+T2 और चॉइस के अनुसार इसमें बी में है सही, सो योर करेक्ट आंसर इज बी, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये वन था एंड ये नीट के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर वन था, अब क्वेश्चन नंबर टू है, जो क्वेश्चन नंबर टू 2011 में पूछा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉय इस पॉइंट ए पॉइंट से बी पे जाता है और टोटल डिस्टेंस का हाफ, ये डिस्टेंस हाफ V1 वेलोसिटी से एंड नेक्स्ट हाफ V2 वेलोसिटी से जाता है, तो कहता है क्वेश्चन में बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन करवाए थे, एवरेज वेलोसिटी का बताए थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट डी, इसको लेट कर लिया जाने में T1 टाइम लगा, इसको लेट कर लिया T2 टाइम, सो T1+T2 D=T1 हो जाएगा D/V1 मीन्स D/2V1 प्लस ये D/2 डिस्टेंस जाता है कितना से V2 से, DD कॉमन लेके कट जाएगा 1/1/2V1 प्लस 1/2V2, ये 1/LCM लेंगे तो 2V1V2 यहाँ पे हो जाएगा V1+V2, सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2V1V2/V1+V2 और ये जो चॉइस दिया हुआ था चॉइस नंबर डी, सो योर करेक्ट आंसर इज डी, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चले क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है, आप लोग खुद से भी बनाओगे, इसका PDF हम डाल देंगे इस पे YouTube के चैनल पे और निकाल करके क्वेश्चन को बनाएंगे, जो टेढ़ा क्वेश्चन है वो बनवा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड 2007 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है ये एक पॉइंट एक्स है और ये एक पॉइंट वाई है और एक वाई एक्स से वाई जाता है VU वेलोसिटी से, फिर रिटर्न हो जाता है वहां से VD वेलोसिटी से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, यही क्वेश्चन है, एकदम आसान, डी डिस्टेंस गया भी होगा डी डिस्टेंस आया भी होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू
टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, एवरेज स्पीड पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है क्वेश्चन में, 2007 में था, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछता तो क्या हो जाता, जीरो, एवरेज स्पीड हो जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस 2d, जाने में t1 टाइम लगा, आने में t2, t1 प्लस t2, तो 2d बाय t1, t1 डिस्टेंस का वेलोसिटी vu, इसका भी डिस्टेंस का वेलोसिटी vd, ये मेरा हो जाएगा 2d, d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा vu प्लस vd, ये मेरा हो जाएगा vu vd, क्लियर है, और dd कैंसिल, सो 2 vu vd बाय vu प्लस dd, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ था, मतलब इस चॉइस के अनुसार योर करेक्ट आंसर इज डी, आप नीट के क्वेश्चन बैंक में देखेंगे या हम खुद भी इसका पीडीएफ भेज देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर जो पूछा हुआ है 1997 का है, क्वेश्चन नंबर फोर किया है, हम पढ़ते हैं देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है, कहता है कार एट रेस्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, मैंने एक कार एक्सेलरेट किया रेस्ट से, कार एट रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या है कार का, जीरो, जिसका वेलोसिटी कितना हो गया 144 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको हम 144 इंटू 5/18, ठीक है, ये कट जाएगा मेरा 8 बार में, ये हो जाएगा मेरा 40 मीटर पर सेकेंड, और ये होने में जो टाइम लगा है इसको दिया हुआ है टाइम लगा है 20 सेकेंड, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है निकालने के लिए इट्स डिस्टेंस कवर इज, मीन्स डिस्टेंस कितना कवर किया बताइए, मीन्स ये कार यहाँ से चली होगी u इक्वल टू जीरो से, और यहाँ जब आ गई ये कार इसका वेलोसिटी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ का टाइम कितना मिला है 20 सेकेंड, तो कहता है टोटल डिस्टेंस क्या होगा, s, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, हम इक्वेशन लगाते हैं इनिशियल वेलोसिटी जीरो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर है, इसको लिख सकते v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a को लिख दे v माइनस u बाय t इंटू s, इसको लिख सकते v प्लस u इंटू v माइनस u इक्वल टू 2 v माइनस u इंटू s बाय t, v माइनस u कैंसिल, सो s कितना हो जाएगा, s हो जाएगा मेरा v प्लस u इंटू t बाय 2, क्लियर है, s इक्वल टू v कितना है मेरा 40 प्लस u कितना है 0, t कितना है 20 सेकेंड बाय 2, मीन्स 40 इंटू 20 बाय 2, ये 10 बार में 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मीन्स आपके चॉइस में दिया हुआ है चॉइस नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, अ कार मूव्स अ डिस्टेंस 200 मीटर, इट्स कवर अ फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ने एक कार 200 मीटर मीन्स 0.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और पहला हाफ 0.1 मीटर जो है 0.1 किलोमीटर नॉट मीटर, ये जाता है यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, एंड द सेकेंड हाफ डिस्टेंस, ये जो सेकेंड हाफ डिस्टेंस है ये भी किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ है, और इस टोटल का एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी जो दिया हुआ है ये 48 किलोमीटर पर आवर है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि v का वैल्यू क्या होगा बताइए, सिंपल सा है, आप देखो यहाँ पे ये भी मेरा कितना होगा 0.1 किलोमीटर ही होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या पढ़े हैं हम, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0/2,
और इसको जाने में हमने लेट कर लिया टी वन टाइम लगा, इसको टी टू बाय टी वन प्लस टी टू, ये एवरेज वेलोसिटी है। और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 48, ये 0.2, टी वन कितना हो जाएगा 0.1 बाय 40 प्लस टी टू कितना हो जाएगा 0.1 बाय v। अब आप क्या करो, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, 48 इक्वल टू 0.2 और 0.1 बाहर आ जाएगा कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा 40 v, यहाँ पर हो जाएगा v प्लस 40 और ये कैंसिल, ये हो जाएगा 40 v बाय v प्लस 40। अब यहाँ से आप भी कैलकुलेट कर लोगे तो v आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, 60 ही आएगा, जरा देख लेता हूँ, इसका वी का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर आएगा, हाँ 60 किलोमीटर पर आवर आएगा, और आपके चॉइस के अनुसार ये बी में गिवन है। क्लियर है, आप देख रहे हो यूनिफॉर्म मोशन का जो सवाल है उसी को आगे पीछे कर करके पूछे जा रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है 6 या 7 जो हो, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज वी इक्वल टू, वी गिवन है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द पार्टिकल बिटवीन द टाइम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। कहता है कोई भी मूविंग पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी का इक्वेशन कितना दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर, तो कहता है 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड के बीच कितना डिस्टेंस कवर किया। अब आप इसको हम लिख सकते हैं ds बाय dt इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, सो ds इक्वल टू at dt प्लस bt स्क्वायर dt, इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड, 1 से 2। अब देखिए ds का s हो जाएगा ये a, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 1 से 2 प्लस ये हो जाएगा b t का पावर 3 बाई 3 1 से 2, ये हो जाएगा a बाई 2 यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b बाई 3 यहाँ 2 के पावर 3 माइनस 1 का पावर 3। क्लियर है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 में से 1 जाएगा 3 बाई 2 ए प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 में से 1 जाएगा 7 बाई 3 बी। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स बाय द पार्टिकल बिटवीन द टाइम 1 टू 2 सेकेंड और ये चॉइस मेरा दिया हुआ है सी में, सो योर करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 सेल्फ ट्राई करेंगे अपने आप से, आसान है, हम क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का कोई भी एक पार्टिकल है जो 1 डायमेंशन मोशन कर रहा है और उसका वेलोसिटी का जो इक्वेशन दिया हुआ है बी एक्स का पावर माइनस 2n। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन टर्म्स बी एंड एन वेयर बी एंड एन इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, आप देखो मेरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है वेलोसिटी का, वी इक्वल टू दिया हुआ है बी एक्स का पावर माइनस 2n, इसको हम लिख सकते हैं dv बाई dt, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये हो जाएगा b बाहर कर लेते हैं डी एक्स का पावर माइनस 2n बाई dt। हम क्या करते हैं dx से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया dx से नीचे, क्योंकि ये चेन रूल का क्वेश्चन है, b dx का पावर माइनस 2n बाई dx, ये हो जाएगा dx बाई dt। क्लियर है, ये मेरा 2n इधर आ जाता है तो माइनस 2n, क्लियर है,
माइनस टू एन एक्स का पावर माइनस टू एन माइनस वन और डी एक्स बाई डी टी को डी लिखेंगे, कितना हो जाएगा माइनस टू एन एक्स का पावर माइनस टू एन प्लस वन माइनस टू एन माइनस वन, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बी एक्स का पावर माइनस टू एन, और यहां पे मेरा टू एन और ये बी भी है, यहां पर ये बी भी है, ठीक है। अब देखिए ये बी और बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू एन बी स्क्वायर, अब एक्स ये दोनों बेस सेम है तो ये दोनों पावर जुड़ जाएगा तो माइनस फोर एन माइनस वन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, और अकॉर्डिंग टू चॉइस ये दिया हुआ है आपका चॉइस नंबर ए इज करेक्ट, सही है। ये क्वेश्चन नंबर नाइन था। अब क्वेश्चन नंबर टेन देख रहे हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर टेन, क्वेश्चन नंबर टेन है। अब ये कोई भी पार्टिकल है जो वन डायमेंशन मोशन कर रहा है जिसका मास है एम किलोग्राम, क्वेश्चन नंबर टेन है एम किलोग्राम, और वन डायमेंशन मोशन कर रहा है जिसका दिया हुआ इक्वेशन टी इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस थ्री, क्वेश्चन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, कहता है जब वेलोसिटी जीरो होगा तो उस वक्त पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब आप देखो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स इक्वल टू टी माइनस थ्री, सो एक्स इक्वल टू टी माइनस थ्री का स्क्वायर, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगा डी टी माइनस थ्री का पावर टू बाय डी टी माइनस थ्री इंटू डी टी माइनस थ्री बाय डी टी, ये मेरा डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा, और वेलोसिटी ए टू इधर आ जाएगा टू टी माइनस थ्री टू माइनस वन पावर वन होगा, और यहाँ पे इसका हो जाएगा वन माइनस जीरो, सो वेलोसिटी हो जाएगा मेरा टू टी माइनस थ्री। जब कहता है वेलोसिटी और इसका जो हो जाएगा मेरा वी इक्वल टू टू टी माइनस सिक्स, ये मेरा इक्वेशन आया है, और क्वेश्चन में कह रहा है वेलोसिटी क्या होना चाहिए जीरो, तो इफ वी इक्वल टू जीरो इफ वी इक्वल टू जीरो देन टू टी इक्वल टू सिक्स, तो टी इक्वल टू थ्री सेकेंड, तो टाइम कितना होगा मीन्स तीन सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और तो हमको पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट का है निकालने के लिए, जब वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन वन है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन में अगर एक्स इक्वल टू वैल्यू मेरा टी, टी के बदले में निकाले हैं थ्री माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स उस वक्त पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो, चॉइस नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 2i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.3i प्लस 0.2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कहता है वेलोसिटी क्या होगा एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद उस पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है, ये टू डायमेंशन में मूव कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस में दोनों है, मीन्स ux कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, और uy कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और ax कितना दिया हुआ है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ay का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, हम सबसे पहले vx निकाल लेते हैं, vx इक्वल टू ux प्लस axt, तो ux कितना है 2, ax कितना है 0.3 इंटू टाइम कितना है 10 सेकेंड, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। फिर vy निकाल लेते हैं, uy प्लस ayt, तो vy कितना है, vy का वैल्यू दिया हुआ है 3,
ey देगा 0.2 और t10 ये भी होगा 5 मीटर पर सेकेंड, मींस x एक्सिस का वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड और y एक्सिस का वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। सो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा v इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, मीन्स 5√2 मीटर पर सेकेंड, और ये चॉइस आपको दिया हुआ है चॉइस नंबर बी। सो योर आंसर करेक्ट चॉइस इज बी। क्लियर है यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो 2012 में पूछा है, और इससे जो पहले 2012 का क्वेश्चन है और इससे पहले जो था वो भी 2012 का ही था क्वेश्चन। अभी जो 5√2 मीटर पर सेकेंड निकाला वो भी 2012 का ही है, और ये भी क्वेश्चन 2012 का ही क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में दिया हुआ है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू 8 + 12t माइनस टी का पावर 3। तो कहता है रिटार्डेशन क्या होगा जब वेलोसिटी जीरो होगा, जब वेलोसिटी जीरो होगा उस वक्त उसका रिटार्डेशन पूछ रहा है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो dx by dt, 8 का क्या आएगा 0, ये हो जाएगा 12 - 3t² मींस वेलोसिटी हो गया 12 - 3t². अब इस इक्वेशन को हम रहने देते हैं और क्वेश्चन में कहता है वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी को जीरो करेंगे 12 - 3t² तो t² इक्वल टू हो जाएगा 12/3 मींस 4, t इक्वल टू 2 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन हमको पूछ रहा है क्या रिटार्डेशन, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी का जो इक्वेशन है v इक्वल टू 12 - 3t², इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं dv/dt 12/0 - 6t। क्लियर है? सो एक्सीलरेशन इज -6t, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू -6 और t कितना निकला है 2 सेकंड मींस -12 m/s², सो योर आंसर इज 12 m/s² रिटार्डेशन है इसीलिए नेगेटिव में आया है और चॉइस नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम क्वेश्चन भेज रहे हैं आप लोग को यूट्यूब के लिंक पे जा करके डाउनलोड कर लेंगे और उसको बनाएंगे। क्लियर है? जो नहीं बनेगा पूछेंगे। और क्वेश्चन नंबर एक जो उसके बाद 13 और 14 सेल्फ ट्राई करोगे अपने मन से, आसान क्वेश्चन था हम देख लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है जो 2010 का है, इसमें दिया हुआ है एक कोई भी पार्टिकल है जो वन डायमेंशन मोशन में मूव कर रहा है जिसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है t + 5 t⁻¹। तो कहता है एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार चॉइस दिया हुआ है, चॉइस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। कहता है वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, आप इसको क्या करो dx/dt कर देते हैं तो वेलोसिटी निकल जाएगा dt⁵¹ dt⁵ into dt⁵/dt। तो ये मेरा वेलोसिटी हो जाएगा, ये माइनस वन इधर आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा t + 5, यहाँ -1 - 1 तो -2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 0। सो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया -t + 5 के पावर -2, ये वेलोसिटी निकल गया। फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं dv/dt, तो dv/dt करेंगे तो -dt⁵¹ t⁵⁻²/dt + 5 फिर इंटू dt + 5 by dt। तो ये माइनस इधर आएगा तो -⁻²t + 5⁻³, और ये मेरा 1 हो जाएगा +0। सो एक्सेलरेशन का ये एक्सेलरेशन हो जाएगा
और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, 2t + 5 पे पावर -3। ये एक्सेलरेशन आया है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2t + 5 के पावर -2 × t + 5 के पावर -1। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2t + 5 के पावर -2 × √t + 5 के पावर -2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2। और ये मेरा वेलोसिटी के इक्वल है, आप देखो यहाँ पे t + 5 के पावर -2 वेलोसिटी के बराबर है, तो वेलोसिटी हो गया। और ये भी मेरा वेलोसिटी मीन्स √v हो गया, मीन्स 2v × v का पावर 1/2, ये जगह 2v का पावर 3/2। सो एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना आ गया, सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का पावर 3/2। तो चॉइस में हमको दिया हुआ है इस तरह का, ऐसा जो चॉइस गिवेन है, ये चॉइस ए में दिया हुआ है, मीन्स वेलोसिटी का पावर 3/2, वो चॉइस ए में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू चॉइस योर आंसर चॉइस नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप खुद से ट्राई करोगे जरूर, जो नहीं बनेगा हमसे फिर से पूछेंगे, कुछ बता भी देंगे। अभी देखते हैं, जो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर टाइप का था बताएं। फिर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, और कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में से स्किप करके बता रहे हैं, खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 1994 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक पार्टिकल u = 0 से शुरू किया और एक्सेलरेट किया कांस्टेंट रेट अल्फा से, और यहाँ पे आके वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, फिर इसके बाद रिटार्ड करना शुरू किया, यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी 0, और रिटार्डेशन जो दिया हुआ है मेरा बीटा दिया हुआ है, और टोटल टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक टी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाय द पार्टिकल इज, यही निकालना है। तो आप देखो, हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको T1 टाइम लगा होगा, और यहाँ से यहाँ जाने में इसको T2 टाइम लगा होगा। क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक T1, यहाँ से यहाँ तक T2 लगा होगा। तो अगर हम इस बीच में इक्वेशन लिखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का इक्वेशन, हम जानते हैं v = u + at, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v के बदले में हो जाएगा v max = u0, एक बदले में अल्फा, टी के बदले में T1, T1 का वैल्यू कितना होगा v max / α, इक्वेशन 1। फिर हम यहाँ से यहाँ तक का इक्वेशन लिखें, इसका वेलोसिटी क्या है 0, u क्या है v max - β, t कितना है t2, सो t2 = v max / क्या हो जाएगा बीटा, इक्वेशन 2। और देखिए आप डायग्राम में t = लिख सकते हैं t1 + t2, तो t = t1 का वैल्यू कितना निकाले हैं v max / α + v max / β। तो t = v max को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 1/α + 1/β, सो t = v max, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सो वी मैक्स का जो वैल्यू आएगा α β / α + β आएगा। क्लियर है, चले आगे, चलते हैं आगे, यहाँ तक ठीक है। फिर हम खुद से क्वेश्चन बनाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको खुद से बनाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो पूछेंगे, और टोटल 49 क्वेश्चन है, टोटल मोशन इन वन डायमेंशन में 49 क्वेश्चन भेज रहे हैं, सब क्वेश्चन को बनाएंगे और हिंट्स दिए हैं। कल जो क्लास होगा वो क्लास होगा ग्राफ पढ़ाएंगे, और ग्राफ पे बेस्ड कैसे प्रॉब्लम है, फिर भी ये ग्राफ वाला भी क्वेश्चन इसमें है, कोशिश करेंगे खुद से बनाने का। आज के लिए बाय।